morning, 7th class students. This is your English teacher and I welcome you to your online classes. So students, yesterday we were discussing about our chapter Bringing Up Curry and today we'll continue our chapter which is written on the name on the board Bringing Up Curry. तो कल हमने पढ़ा था करी जो कि एक एलिफेंट का नाम है. वो एलिफेंट कितना ज़्यादा होशियार है, कितना ज़्यादा समझदार है. और ये बात मैंने कही थी कि अब हम जानेंगे कि वो कितना मिस्चीवियस है, मीन्स शरारती है. तो चलिए अब देखते हैं उसने ऐसा क्या किया जो उसकी शरारत को शो करता है. करी एक टाइम पर पके हुए बनानास, राइप बनानास को हिंदी में पके हुए केले कहते हैं. सो ही फॉन्ड ऑफ, ही बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास. वो एक टाइम पर राइप बनानास का शौकीन हो जाता है. सेकेंड, ही एक्सेप्ट द चाइडिंग. चाइडिंग का मतलब होता है डांट पड़ना. सो ही एक्सेप्ट द चाइडिंग, ही नोज ही डिजर्व्स. इतना ज्यादा समझदार है, उसे पता है कि अगर उसने कोई गलती की है. जैसे छोटे बच्चे को समझाया जाता है, जैसे आपको समझाया जाता है, ऐसे ही करी को भी समझाया जाता है. वो भी एक छोटा बच्चे की तरह ही है. सो जब भी उसे लगता है कि उसने गलती की है और वो इस गलती की डांट डिजर्व करता है, तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करता है. ही इज अ फास्ट लर्नर एंड लर्न्स ऑल सिग्नल्स. वो एक फास्ट लर्नर है, जल्दी सीखने वाला है और सारे सिग्नल्स को बहुत जल्दी, जो भी उसका मास्टर उसे चीज़ें सिखाता है, बहुत जल्दी उन चीज़ों को कवर करता है. एंड द लास्ट इज टेक्स 5 years टू लर्न मास्टर कॉल. इतना फास्ट लर्नर है, सारे सिग्नल्स याद कर लेता है, लेकिन उसे याद करने में, एक चीज याद करने में 5 साल लगते हैं, दैट इज मास्टर कॉल. हमने पहले भी ये बताया था कि मास्टर कॉल क्या होता है, कल के थीम में हमने पढ़ा था. आज हम मास्टर कॉल क्या है और क्यों इतना टाइम लगा उसे समझने में, इस चीज के बारे में अब हम बात करेंगे. ठीक है, सो आई थिंक अब आपको इसके पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज कॉन्टैक्ट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ बनानास. करी पके हुए केलों का शौकीन हो जाता है. ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प. वो अपनी खुद की मदद करने में यकीन रखता है. मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड. वो ये कोशिश करता है कि मेरे दोस्त को कम से कम दिक्कत हो, कम से कम परेशानी हो और मैं अपनी काम खुद ही कर सकूं. विद क्वाइट डिग्निटी, अपने पूरे सम्मान के साथ. करी एक्सेप्ट्स द चाइडिंग ही नोज ही डिजर्व्स. उस डांट को, चाइडिंग का मतलब होता है डांट, तो जब भी उसे डांट मारी जाती है वो उस डांट को अच्छे से मान लेता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी गलती है और गलती के लिए ही डांट मारी जा रही है. करी वॉज लाइक अ बेबी. करी एक बच्चे की तरीके से था. ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड. उसे अच्छा बनाने के लिए सिखाना ज़रूरी था. एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी. अगर आप उसे नहीं बताते थे कि वो कब शैतानी करता था, कब शैतान बन रहा था, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एरर. तब वो ज़रूरत से ज़्यादा शैतानी करके दिखाता था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ये चीज़ शैतानी में आती है या नहीं आती. जब तक बच्चे को बताएंगे नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, तब तक वो कैसे सही और गलत के फ़र्क को समझेगा. यही करी के साथ था. जब तक हम उसको समझाते नहीं थे कि ये ठीक है ये गलत है, तब तक वो और ज़्यादा शैतानी करता रहता था. फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के लिए, वन डे, एक दिन, समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट. एक दिन किसी ने उसे खाने के लिए केले दिए. Very soon he developed a great love for ripe bananas. जल्दी ही उसका पके हुए केले खाने में इतना ज़्यादा शौक चढ़ गया, उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगा केले खाना. We used to keep large plates of fruits on a table near a window in dining room. हमारे डाइनिंग रूम में एक खिड़की थी, उस खिड़की के पास जो टेबल थी, हम उसमें हमेशा बहुत सारे फ्रूट्स रखते थे. One day all the bananas On the table disappeared. एक दिन वो टेबल पर रखे हुए, उस टेबल पर रखे सारे जो केले थे वो गायब हो गए. एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस. और मेरे परिवार ने गलती किसकी मानी, हमारे घर के नौकरों की, कि तुमने सारे के सारे फल रखे हुए क्यों खाए.
A few days later, the fruit disappeared again. अब कुछ दिन बाद जो फल थे वो दोबारा गायब हो गए. This time the blame was put on me. और इस बार गलती नौकरों की नहीं, क्योंकि उनको तो डांट पड़ गई थी. सबने सोचा नौकर तो दोबारा ये काम करेंगे नहीं. इस बार सबने सोचा कि ये काम मैंने किया है. And I knew I had not done it. लेकिन मैं जानता था कि मैंने तो ये काम किया ही नहीं था. It made me very angry with my parents and the servants. मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया मेरे नौकरों से भी, घर के नौकर से भी और मेरे पेरेंट्स से भी, कि बिना वजह मुझे क्यों डांटा. For I was sure they had taken all the fruit. नौकरों से, पेरेंट्स से तो इसलिए गुस्सा था क्योंकि उन्होंने मुझे बिना काम के डांटा, बिना वजह डांटा. और नौकरों से इसलिए कि मुझे लगा कि उन्होंने सारे फल खा लिए और मेरे पे नाम लगा दिया. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. अगली बार जब कोई फल गायब हुआ तो मैंने देखा एक केला पूरा कुचला हुआ पड़ा था करी के टेंट के पास. पवेलियन मतलब टेंट. This surprised me very much. मैं बहुत हैरान हो गया था. For I had never seen fruit there, क्योंकि मैंने इससे पहले कहीं कभी भी वहाँ पर फ्रूट नहीं देखा था. And as you know, he had always lived on twigs, क्योंकि आप तो जानते हैं उसे twigs का इतना लगाव था, उसे टहनियाँ खाना इतना पसंद था, वो फ्रूट्स की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देता था, ऐसा मेरा मानना था. Next day, while I was sitting in the dining room, अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा था ये सोचते हुए कि whether I should take some fruit from the table, कि क्या मुझे टेबल से कुछ फ्रूट्स उठाने चाहिए without my parents' permission, मेरे पेरेंट्स की परमिशन के बिना. A long black thing very much like a snake, एक लंबी सी चीज़ आई जो सांप के तरीके से थी. Suddenly came through the window, अचानक से खिड़की से आई and disappeared with all the bananas, और उस काली सी लंबी सी चीज़ ने सारे bananas लेकर वो चीज़ गायब हो गई. I was very much frightened, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. Because I had never seen snakes eat bananas, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो लंबी सी जो काली सी चीज़ थी वो सांप था और सांप तो कभी बनाना खाते नहीं ऐसे. And I thought it must be a terrible snake. मैंने सोचा कितना खतरनाक सांप होगा. That would sneak in and take fruit. जो अंदर छुप कर आया और सारे फल चुरा कर ले गया. I crept out of the room. मैं कमरे से बाहर धीरे धीरे रेंग कर बाहर निकलता हूँ. And with great fear in my heart, ran out of the house. अपने मन में इतना ज़्यादा डर लिए हुए मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि मैं सीधा घर से भाग गया. Feeling sure that the snake would come back into the house. मैं इस चीज़ के लिए श्योर था कि सांप हमारे घर में सामान लेने वापस ज़रूर आएगा, वो फल भी खाएगा and kill all of us, और फल खाने के साथ साथ हम सबको जान से भी मार देगा. As I went out, जैसे ही मैं बाहर निकला, I saw Curry's back disappearing in the direction of pavilion. मैंने करी की पीठ देखी, मतलब करी का पिछला हिस्सा देखा जो टेंट की तरफ जा रहा था, और उसका पिछला हिस्सा मुझे हल्का फुल्का दिखाई दिया. And I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. अब मैं इतना डर गया, मैंने सोचा चलो थोड़ी देर करी के पास चलते हैं, उसके साथ खेलूँगा तो मूड अच्छा हो जाएगा. I ran after him. मैं उसके पीछे भागा into the pavilion, उसी टेंट में जहाँ वो रहता था. और मैं क्या देखता हूँ, I found him there eating bananas. मैंने देखा कि वो वहाँ पर केले खा रहा था. I stood still in astonishment. मैं बहुत हैरान होकर देखने लगा कि करी ऐसे कैसे कर सकता है. The bananas were lying strewn all around him. जो केले थे हमारे टेबल पर रखे हुए केले सारे उसके आसपास फैले पड़े थे. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. अपनी लंबी सी सूंड को वो फैलाता था जहाँ तक उसका मन करता था और उस दूर पड़े हुए केले को जल्दी से उठा लेता था. That instant, और उसी ही टाइम पर The trunk looked like a black snake. ये जो सांप था ये वो उसकी सूंड ही थी जो सांप जैसी दिख रही थी. And I realized that Curry was the thief. और तब मुझे पता चला कि असली चोर तो करी ही था. I went to him. मैं उसके पास गया.
pulled him by out by the ear, कान से उसे पकड़कर बाहर खींच कर लाया, and joyously showed my parents, और खुशी खुशी अपने पेरेंट्स को दिखाया कि ये तो करी था, मैं एक नौकर नहीं घर के जिन्होंने चोरी की थी. Not I that had eaten all the fruit these many weeks, इतने पिछले हफ्तों से करी खा रहा था, बल्कि मैं नहीं. Then I scolded him, तब मैंने उसे डांटा. For elephants understood words, for मतलब because, क्योंकि जो हाथी हैं वो हमारे बोले हुए शब्दों को बिल्कुल वैसे ही समझते हैं जैसे छोटे बच्चे समझते हैं. And I said to him, तो मैंने उससे कहा, next time I see you stealing fruit, अगली बार अगर मैंने तुम्हें फल चुराते देखा, you will be whipped, तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटा जाएगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा भरा कहा जाएगा. He knew that we were all angry with him, वो जानता था कि हम सब उससे गुस्सा थे. Even घर के नौकर भी उससे नाराज थे, क्योंकि नौकरों की बात कि वो नौकरों के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा था. His pride was so injured, उसका जो घमंड था, उसका जो सम्मान था, वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया था, that he never stole anything from the dining room, कि उस डांट के बाद से उसने कभी भी हमारे डाइनिंग रूम से कुछ भी नहीं चुराया. And from then on, if anybody gave him any fruit, अगर उस दिन के बाद से कोई उसे फल खाने के लिए देता था, he always squealed as if to thank him, वो इतना अच्छे से छोटे बच्चों की तरह आवाज़ें करता था, चिल्लाता था, जैसे वो हमें थैंक्स कहना चाहता था. An elephant is willing to be punished for having done wrong, एक हाथी को अच्छा लगेगा अगर आप उसको डांटो, सिर्फ जब ही डांटो जब उसने कुछ गलत किया है, लेकिन अगर आप उसे बिना वजह डांटोगे, ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, वो इस बात को याद रखेगा और उसे अपने ही तरीके से उसका आंसर देगा. अब जैसे यहाँ पर तो छोटा है करी, तो अब डांटने का मतलब है कि हम उसे डांट देंगे बिना वजह, बल्कि उसकी चाहे उसकी कोई गलती ना हो. छोटे बच्चे भी ऐसा करते हैं ना, नाराज़ हो जाते हैं, तो ऐसे ही काम वो भी करता था, ऐसे ही नाराज़ होकर वो भी बैठ जाता था. नेक्स्ट 3 points आर, करी इज़ अ फास्ट लर्नर, करी जल्दी जल्दी बातें सीखने वाला है. ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ टॉट, जो भी उसे सिखाया जाता है वो उसमें बहुत ही अच्छे से सारे सिग्नल सीख लेता है, सारे साउंड सीख लेता है. There is one lesson though that an elephant takes 5 years to learn. लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि वो जो कोई भी एलिफेंट हो, करी नहीं बल्कि कोई भी एलिफेंट हो, सीखने में 5 साल ही लेता है. करी कुछ अलग तो था नहीं, करी इज़ नो एक्सेप्शन. करी ने भी उस चीज़ को सीखने में जो टाइम 5 साल दूसरे एलिफेंट लेते हैं, उतना ही टाइम में करी ने भी उस चीज़ को सीखा. क्या चीज़ थी, अब आगे पढ़ते हैं. An elephant must be taught when to sit down. एक elephant को सिखाना ज़रूरी होना चाहिए कब बैठना है, कब चलना है, कब जल्दी चलना है, कब धीरे चलना है. You teach him these things, आप उसे ये चीज़ें सिखाओ, as you teach a child, जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं ऐसे उसको सिखाओ. If you say धत, अगर आप उसको धत कहते हैं, and pull him by the ear, और उसे कान से पकड़कर खींचते हैं, he will gradually learn to sit down, तो वो समझ जाएगा कि आपको बैठना सिखाया जा रहा है. Similarly, if you say माली and pull his trunk forward, अगर आप कहते हैं माली और उसकी सूंड को आगे की तरफ खींचते हैं, तो उसे पता चल जाएगा कि ये चलने के लिए कहा जा रहा है. करी लर्न माली आफ्टर 3 lessons, करी ने 3 lesson सीखने के बाद माली को सीखा था, याद किया था. बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत, लेकिन उसे 3 हफ्ते लगे धत सीखने में. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था बैठने के लिए, मतलब जब बैठने को कहते थे तो उसे अच्छे से समझ में नहीं आता था. And do you know why an elephant should be taught to sit down? क्या आप जानते हो कि एक हाथी को बैठाना क्यों सिखाना चाहिए? Because he grows taller and taller than you who take care of him. क्योंकि आप जो उसकी देखभाल कर रहे हो, वो इतना छोटा तो रहेगा नहीं, हमेशा बच्चा तो रहेगा नहीं. आप भी जानते हैं कि हाथी कितने बड़े बड़े साइज के होते हैं. तो वो यही कहता है कि एक दिन तो हाथी बड़ा भी होगा. So that when he is 2 or 3 years old, तो जब भी वो 2 या 3 साल का होगा, मतलब या फिर उससे बड़ा होगा, you can only
रीच हिज बैक विद अ लैडर। आप एक सीढ़ी की मदद से ही उसके पास पहुंच सकते हैं, उसकी पीठ तक पहुंच सकते हैं। इट इज देयर फॉर, इसीलिए अच्छा रहता है कि उसे धत कहकर नीचे बैठना सिखाना चाहिए, ताकि आप उसकी कमर पर आराम से चढ़ सके। फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि कौन सारे दिन अपने साथ सीढ़ी रखता है। जिन जिन के पास हाथी होते हैं वो सभी अपने हाथियों को अच्छे से चलना सिखाते हैं, आगे बढ़ना सिखाते हैं, बैठना भी अच्छे से सिखाते हैं, क्योंकि पूरे दिन तो कोई आदमी अपने साथ सीढ़ी लेके नहीं चल सकता ना। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। सबसे मुश्किल चीज़ एलिफेंट को सिखानी होती है तो वो होती है मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। कम से कम 5 साल लगते हैं इस मास्टर कॉल को सीखने के लिए। द मास्टर कॉल, एक मास्टर कॉल एक अजीब तरीके की आवाज़ होती है, जैसे भेड़िए की आवाज़, हाउलिंग के साउंड, एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई सांप और कोई टाइगर आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर, और आपको हाथी के कान में ऐसी आवाज़ करनी पड़े। डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू, तो क्या आप जानते हैं कि उस टाइम पर हाथी आपको बचाने के लिए क्या करेगा, अगर आप उसे मास्टर कॉल देते हैं तो। इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप जंगल में गुम हो जाते हैं, एंड देयर इज नो वे आउट, और बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स, हर चीज आगे पीछे आपको देखने में अंधेरे में ही लगती है सिवाय तारों के, यू dare not stay very long anywhere, आप इतनी हिम्मत भी नहीं कर सकते कि आप रात को ज़्यादा देर बाहर रह पाए। The only thing to do then is to give the master call, तो एक ही काम बचता है उस टाइम पर कि आप अपने हाथी को मास्टर कॉल दें। And at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk, एक ही बार में जो एलिफेंट होता है, जो हाथी होता है, अपनी सूंड की पूरी ताकत लगाकर किसी भी पेड़ को अपने आगे कर लेता है, अपने आगे खींच लेता है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और यही चीज़ बाकी जानवरों को डराती है कि वो इतना बड़ा जो हाथी है वो इतने बड़े पेड़ को अपनी सूंड में लेकर चल रहा है। As the tree comes crashing down, जैसे जैसे पेड़ की आवाज़, टूटने की आवाज़ आती जाती है, तो जो monkeys हैं वो अपनी नींद से उठ जाते हैं and run from branch to branch, और एक टहनी से दूसरी टहनी की तरफ भी भागते हैं। You can see them in the moonlight, आप उनको moonlight में देख सकते हैं, मतलब चांदी रात में देख सकते हैं। And you can almost see the stags running in all directions below. और आप ये भी देख सकते हैं कि आसपास, हाथी के आसपास जो हिरन है वो सारी directions में भाग रहे हैं। You can hear the growl of tiger in the distance. थोड़ी ही दूरी पर आप चीते की आवाज़ भी सुन सकते हैं। Even he is frightened, जबकि वो डरा हुआ है, then the elephant pulls down the next tree. जब उसको पता है कि वो डरा हुआ है, जो एलिफेंट है वो अगला पेड़ भी पूरी हिम्मत से खींच लेता है, एंड द नेक्स्ट, और एक एक करके सारे अपने आगे आने वाले पेड़ों को खींच लेता है। सून यू विल फाइंड, जल्दी ही आपको पता चलेगा कि इसी तरीके से उसने अपना पूरा रास्ता तैयार कर लिया है जंगल के बीचों बीच, और वो सीधा आपको घर पहुँचाने की हिम्मत भी रखता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल हैव एनी डाउट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी।